अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1। ये है जी नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स, और इसका हम करेंगे जो है क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इससे जो पिछले क्वेश्चन है पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारे पास है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज़ एक्स प्लस 4 द एच सी एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2k प्लस 2 एंड 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 12। वो कह रहे हैं कि हमारे पास मतलब कि k की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ये जो x प्लस 4 है वो एच सी एफ है, इन दोनों जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन हैं इनका। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ इसका सोल्यूशन। तो इसमें से हम कर लेते हैं, इनको नाम दे लेते हैं एक को, मतलब कि यहाँ पे हम कह देते हैं एक एक्सप्रेशन को कि वो मेरे पास पी ऑफ एक्स है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी कि पी ऑफ एक्स जो है वो मेरे पास है यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2k प्लस 2। ठीक है, इसको कह देते हैं पी ऑफ एक्स। दूसरे एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पे कह देती हूँ क्यू ऑफ एक्स। तो वो कह रहे हैं कि मतलब कि के की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि इनका एच सी एफ जो है वो एक्स प्लस 4 आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 12। ये हो गया मेरे पास। अब यहाँ पे करना क्या है कि इन्होंने बोला है कि x प्लस 4 इनका एच सी एफ है, यानी कि एच सी एफ अगर इन दोनों का ये है तो ये यानी कि ये दोनों जो एक्सप्रेशन है किससे डिविजिबल है, एक्स प्लस 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो मैं यहाँ पर फिर लिख देती हूँ कि एज गिवन दैट x plus 4 is HCF of is HCF so p of x and q of x will be exactly divisible by x plus 4। ठीक है, क्योंकि अगर x प्लस 4 इनका एच सी एफ है, एच सी एफ मतलब कि हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो इसका भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है। अगर इन दोनों का फैक्टर हो तो जाहिर सी बात है जब हम डिवीजन करेंगे तो वो एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे हम डिवाइड करके देख भी लेते हैं। तो मैं लिख लेती हूँ, पहले ये वाला एक्सप्रेशन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2k प्लस 2। ठीक है, ये मैंने लिख लिया और यहाँ पर लिख लेती हूँ एक्स प्लस 4। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म के एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या है एक्स है, तो जाहिर सी बात है इसे एक्स से मल्टीप्लाई किया जाएगा तभी मेरे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा। तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और एक्स इंटू 4 क्या हो जाएगा 4x। साइन चेंज करेंगे हम यहाँ पे तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस और 4 में से 1 के तो पीछे क्या बचते हैं 3, यानी कि माइनस 3x और ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा 2k प्लस 2। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे माइनस 3x। तो यहाँ पे क्या है, खाली x है, यानी कि इसे माइनस 3 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 3/4 12। अब क्या करेंगे, साइन चेंज कर लेंगे यहाँ पे हम, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और यहाँ पे हम जो मेरे पास रिमाइंडर बच गया उसको लिख लेंगे कि मेरे पास आ गया 12 माइनस और इसको एज इट इज़ लिख देंगे 2k प्लस 2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब ये कर लेते हैं यहाँ पे इसका जो है, यहाँ पे मैं साइड पे कर लेती हूँ इसको आगे, आप लोग नेक्स्ट शीट पे कर लीजिएगा, मैं इधर आगे कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया कि 12 माइनस 2k प्लस 2, यानी कि मैं अगर इसको इस तरह रिमाइंडर मेरे पास आया 12 माइनस 2k और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 12 माइनस 2 क्या हो जाएगा 10 माइनस 2k, यानी कि यहाँ पे जो रिमाइंडर मेरे पास आया है वो क्या आया है 10 माइनस 2k। तो 10 माइनस 2k मेरे पास आया और हमने क्या बोला था कि ये इसका क्या है एच सी एफ है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, रिमाइंडर क्या होता है 0 के इक्वल होता है। तो इस वजह से मैं यहाँ पर लिखूँगी कि एज पी ऑफ एक्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल is exactly divisible by x plus 4, so ये जो रिमाइंडर है किसके इक्वल होना चाहिए 0 के इक्वल। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी 10 माइनस 2k इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 2k, बोथ साइड पर 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 और 2 कैंसिल आउट, k इज इक्वल टू 2 5 10। तो k का आंसर मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है,
तो ये वाले स्टेप्स हैं, उसके बाद ये वाले स्टेप्स हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है हमारे पास कंप्लीट सॉल्व हो गया, जिसमें हमने के का आंसर फाइंड आउट करना था और के हमारे पास आ गया 5। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया है एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है, जिसके बीच मेरी कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, रिडल्स की, ट्रैवलिंग की वीडियोज़ हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपनी जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको भी शेयर कर दीजिएगा, उनको भी बोलेगा सब्सक्राइब कर दें। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।